सो गाइस अभी हम लोग पहुंच गए हैं किला गोविंदगढ़। ये होती थी खाई, किला उसके बीच में होता था। तो चले गाइस फाइनली यहाँ जो हमारा शो था वो कंप्लीट हुआ। सो हे गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस हो गई एक नई सुबह की शुरुआत बहुत बढ़िया और बहुत बिंदास तरीके से, और गाइस सुबह के बज रहे हैं 5:15। सो गाइस आपने मेरा पहला व्लॉग देखा हल्द्वानी से लेकर दिल्ली तक का सफर, दूसरा व्लॉग मैंने आपको दिखाया गया सरोजनी मार्केट, और गाइस ये जो तीसरा मेरा व्लॉग है इसका थंबनेल तो आप देख ही चुके हैं। सो गाइस अभी हम सब लोग निकल रहे हैं अमृतसर के लिए यहाँ से, तो सब लोग नीचे आ चुके हैं, हमारे बैकपैक वगैरह सब कुछ हो चुके हैं। कल रात से गाइस हमने तैयारी कर ली थी बढ़िया तरीके से, और सुबह हम जल्दी उठ गए थे लगभग 4:30 बजे के आसपास, तो सब लोग रेडी हो गए नहा धो करके। गाइस अमृतसर जाने के बाद वहाँ हमने होटल किया हुआ, वहीं रुकेंगे, तो चले गए चलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग वेट कर रहे हैं दीदी लोगों का, मतलब एक गाड़ी में गाइस मैं, भैया, भाभी जी और मम्मी जी आ गए थे, साथ में चाचू भी आया था हमारे साथ। तो अभी हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, सामने अपना दिल्ली का ये रेलवे स्टेशन है, और यहाँ पर गाइस मेट्रो है और एयरपोर्ट भी है। तो चलिए गाइस हम लोग निकल रहे हैं अभी प्लेटफॉर्म 14 की तरफ। अगर ये नहीं होता तो क्या होता आपका मिलेगा? सो प्लेटफॉर्म 116 इधर ही पे है, तो हमको जाना है यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 14 में। सो गाइस ये है नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन और ये हमारा झंडा। सो गाइस यहाँ पहुँचते ही दिखने को मिल गए हमको वंदे भारत एक्सप्रेस। चाचू आज हम छुक्छुक गाड़ी में जाएंगे ना? चलिए गाइस पहुंच गए ट्रेन के अंदर, चलिए सब लोग पहुंच गए ट्रेन में। चाचू आ जाओ यहाँ बैठ जाओ। शाबाश, चलिए जी ट्रेन चल पड़ी हमारी। चाचू ट्रेन चलेगी ना? सो गाइस ये देखिए आप यहाँ पर जा रही है आग लगी, पूरी फौज की ट्रक जा रहे दो गाइस। क्या हुआ सबको? ये बोल रहे हैं यहाँ पर ट्रेन के नीचे कुछ है, क्या है भाई? किसी का फोन गिर गया था यहाँ पर ट्रैक में, इसलिए चैन खींच दिया है। चलो जी, चलो मम्मी जी फाइनली पहुँच गए अमृतसर। मम्मी जी है जाइए, मम्मी जी को सब पता होगा यहाँ के बारे में। मम्मी जी मैंने कहा आप है जरा, आपको यहाँ के बारे में सब पता होगा तुझे। हम सब लोग निकल रहे हैं अपने होटल की तरफ, सब लोगों ने अपने बैग पकड़ लिए, मम्मी जी सबसे इम्पोर्टेंट सामान लेके जा रही है। चले जी पहुंच गए अपने होटल। तो चले गए हो गई है शाम, लगभग 6:15 हो गया गाइस, और हम लोग सब निकल पड़े हैं अमृतसर दर्शन करने के लिए। तो चले गए सब लोग आगे हैं, मैं पीछे पीछे जा रहा हूँ सब लोगों के, फिलहाल यहाँ डीलिंग चल रही है ऑटो से। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गोविंदगढ़ किला गढ़, अभी हमारा अमृतसर जो गोल्डन टेम्पल है वहाँ भी जाना है हमको, लेकिन उससे पहले 2-3 जगह और है जहाँ पर हम लोग जाने वाले। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया किला गोविंदगढ़ से, बने रहिए मेरे साथ में, बहुत मजा आने वाला है। सो चले गए हम सब लोग निकल रहे हैं अभी। सो गाइस सामने बना हुआ है टिकट घर, अभी हमने वहाँ से टिकट लिया है। मेन जो गोविंदगढ़ फोर्ट है वो गाइस ये है, तो यहाँ पर भी हमारी एंट्री हो रही है। तो भाई ये है किला गोविंदगढ़ का मेन एंट्रेंस, तो चल रहे हैं हम लोग सब लोग अंदर इसके, और अभी हमें तोप के पास खड़ो के बहुत सारी फोटोज भी खिंचा दिए, तो चलिए गए चलते हैं। All the time, pictures so perfect we play through. Only 'cause you set up the angle, web that you weave got us tangled, caught in what's before our eyes. ठीक है, ठीक है, और ये होती थी खाई, ये जितना हिस्सा है ये सब खाई होती थी, किला उसके बीच में होता था, और यहाँ पर ये पालते थे खूंखार जानवर, ठीक है, मगरमच्छ। कभी अगर हमला हुआ तो आप इतनी बड़ी, पहले तो इसको खाई को पार करना पड़ेगा, फिर उसके बाद यहाँ पर ये दीवार आएगी, फिर दीवार आएगी, फिर उसके बाद में अंदर घुसोगे तब घुस पाओगे, लेकिन ज़्यादातर तो ये यहाँ पर दीवार है, यहाँ पर सैनिक खड़ा रहते थे और यहाँ से अटैक होते, जैसे अभी ये दीवार है यहाँ से ऊपर, ये अंदर उस तरफ से अटैक करने के लिए, अंदर की तरफ देखने के लिए, और ये उधर से बाहर को देखना चाहिए। वो खाई है जिसको पार करके अंदर आना पड़ता था। सो गाइस ये है नालवा गेट, इसके बारे में क्या लिखा है पंजाबी और अंग्रेजी में आप पढ़ सकते हैं। गाइस दरवाजा आप देख सकते हैं, बहुत सालों पुराने दरवाजे हैं ये, और अभी भी बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं।
A rose will not grow without the rain. और गाइस ये कुआं है जो काफी गहरा लग रहा है मुझे. Of your fantasy reality, whoa, that's yours, but I'll keep doing mine. तो नहीं कराओ. ये मेन किला ये है गाइस. सो गाइस कुछ देर में कुछ यहाँ प्रेजेंटेशन होने वाली, तो चेयर वगैरह लगी हुई है, तो यही बैठ करके हमको सब कुछ देखना है अभी. चलिए सबसे आगे बैठ गए हम लोग, मुझे रिकॉर्ड करना है इसलिए. चाचू और यहाँ बैठो. अच्छा भाई चलिए गाइस कुछ देर में शुरू होने वाला है. लाइटिंग वाइटिंग बढ़िया कर दी लोगों ने, बहुत बढ़िया, काफी लोग आ चुके गाइस. सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे, एक जागो परफॉर्मेंस होती है उसको सेलिब्रेट करने के लिए. सो भाई यहाँ पर होंगे हैं? हाँ पक्का पक्का जागो. नाचो नाचो. परफॉर्मेंस खत्म, जागो. चलिए भंगड़े की बारी. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. चले गाइस फाइनली यहाँ जो हमारा शो था वो कंप्लीट हुआ, और मैंने आपको कुछ दिखाने की कोशिश भी करी है, तो उम्मीद करूँगा कि आपको जो मैंने दिखाया वो पसंद आ रहा होगा.
और कुछ चीज़ तो उसमें ऐसी गई जो मिस हो गई, मैं बना नहीं पाया ठीक तरीके से, क्योंकि यहाँ पर रिकॉर्डिंग बिल्कुल अलाउ नहीं हो, तो मैंने चुपके से बना लिया आप लोगों के लिए। तो चले गए, फाइनली वक्त हो चुका है इस व्लॉग को गाइस यहीं पर ही एंड करने का। सो गाइस, इस व्लॉग में मैंने आपको बताया किला गोविंदगढ़ के बारे में, तो वहाँ गाइस कुछ प्रोग्राम है वो भी हमने अटेंड किए, काफी मजा आया मुझे इस व्लॉग में और मुझे उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगा होगा। और गाइस इसके बाद ना हम लोग और बहुत जगह घूमने के लिए गए, जैसे कि हम लोग जलियांवाला बाग गए और यहाँ कुछ मंदिरों में गए, और गाइस मेन जगह जो थी हमारी वो है गोल्डन टेम्पल, हम वहाँ भी गए हैं, तो उसकी हल्की जो झलकियाँ हैं वो आपको इस व्लॉग के मैं एंड में दिखाऊंगा। अगर आपको ये वाला व्लॉग पसंद है तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। फिर मिलते हैं आपसे नए और बेहतरीन व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। सो चलिए गाइस, फाइनली पहुंच गए हम लोग गोल्डन टेम्पल। सो गाइस अभी गुरुद्वारा सामने में ही है, अभी हम अंदर पहुंचे भी नहीं है, और गाइस यहीं पर ना कड़ा प्रसाद की खुशबू आने लग गई है। सो गाइस यहाँ पर मार्केट बनी हुई, हाट बाजार कहता है इसको, और ये है पंजाब की जूतियाँ यहाँ पे। सो गाइस ये सामने बना हुआ है जलियांवाला बाग। पता गाइस लास्ट टाइम मैं यहाँ कब आया था, जब मैं 8 महीने का था।